अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं साबुत मसूर, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। दाल को आपने पहले से भिगो के रख लेना है, तकरीबन ये 2 घंटे तो कम से कम भिगी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुकर में पानी और साबुत मसूर डाल के रख दिए ताकि बॉयल आ जाए। दाल में मैंने डालने के लिए 1 प्याज, 4 से 5 साबुत मिर्चें और 1 टमाटर ले लिए है और इनकी कटिंग कर ली है मैंने सबकी। अब जैसे ही दाल में बॉयल आता है तो मैं इन सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगी। साथ ही मैंने नमक, हल्दी और रेड चिल्ली ऐड कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके दाल बनाते हैं तो आपकी बहुत ही मज़े की दाल बनने वाली है। तो अब इसमें मैंने खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। सारे मसालों में बॉयल आ गया है तो अब हम कुकर का ढक्कन करते हैं बंद। तकरीबन हम इसको टाइम देंगे 40 मिनट का, ताकि दाल अच्छे से गल जाए और अच्छे से नरम सी और गाढ़ी सी हो जाए। और ये देखें कुकर के ढक्कन के ऊपर ना तमाम रेसिपीज़ के ऊपर टाइमिंग भी लिखी हुई है, अगर किसी ने देखनी हो तो वो देख सकता है। दाल की कितनी टाइमिंग है, सब्ज़ी की कितनी टाइमिंग है, उस हिसाब से आप अपने खाने का टाइम लगा सकते हैं। अब हम तैयारी करते हैं तड़के की। तड़के के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो पहले हमने गार्लिक को छील लेना है और काट लेना है बारीक बारीक स्लाइसिस में। यहाँ पे ऑयल ले लिया और इसको गर्म होने के लिए रख दिया, उसमें फिर मैंने गार्लिक डाल दिया ताकि फ्राई हो जाए। तो गार्लिक गोल्डन कलर का हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, जो कि फ्राई होगा तो इसका जायका बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा फ्राई होने से। तो अब इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है गरम मसाला, दालचीनी और ये ज़ीरा और लौंग वगैरह ना, जो जितने भी खड़े मसाले होते हैं उनको मैंने ऐड करके फ्राई कर दिया है। दाल पक गई है तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।